ब्लॉग स्टार्ट किया है 4 बजे से। तो सबसे पहले मैं तो वही अपना काम है, हेलो एवरीवन, जब से पहले आपको राम राम वगैरह नहीं करूँ तो तब तक अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे वही कर रही हूँ। और अभी मैं बहुत बिजी थी आज, मेरा काम अभी लेट हो गई थी तो इसलिए मैंने आज आफ्टरनून से नहीं किया है। और मैं सोची कि चलो आपसे बात कर लूँ। अब मैं जाऊँगी है किचन में चाय बनाने के लिए, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाल में क्या है। वाओ, लौकी का हलवा, इसके पहले मैंने किया था लेकिन फिर भी बहुत उसमें व्यू कम आए हैं, तो अभी मैं और करूँगी आपके साथ शेयर। तो कैसे लगेगा तो कमेंट जरूर करना मुझे। और अभी मैं अभी मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। बाय बाय। हाय, अभी शाम का समय हो गया, मैंने कुछ नहीं दिखाया, तो अभी 6:30 बज चुके हैं, उधर कुकर चल गया है और इधर मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। तो बहुत लेट हो गई हूँ, 8 बज चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हलवा बना लूँ। तो ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ ये हलवा, तो ये मैंने आधा घंटा पहले किस के रख दिया था, ये देखिए। तो अभी मैं है ना स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखिए अभी मैं घी डाल रही हूँ इसमें। ये घी डाल दिया है अभी इसमें मैंने, ये देखिए। और ये घी डालने के बाद इतना घी हो जाएगा, अगर लगेगा तो मैं और डाल दूंगी। तो अब ये घी गर्म हो जाएगा ना, तो मैं है ना इसमें ये सब डाल दूंगी। घी बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं, तो इसलिए ना मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। और अब ये पानी जो निकल गया है ना, तो ये गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए ये जो पूरा है ना, ये मैं पानी नहीं डालूंगी इसमें, तो ये पकाऊंगी अभी, चलाती रहूंगी जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाए ना, तब तक मैं इसको है ना चलाते रहूंगी। डाल रही हूँ शक्कर, और ये देखिए शक्कर जितनी है ना, जितना ये है उतना ही डालना है। और ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी, उसके बाद दूध डालूंगी। तो फिर सब हो गया था, फिर उसके बाद मैंने ये दूध डाल दी, ये देखिए कितना प्यारा, मतलब शक्कर वगैरह सब डाल दिए थे, फिर शक्कर में मैंने इसको और पकाया, और इसके बाद मैंने दूध डाल दिया। और मैंने मावा नहीं डाला है गाइस, क्योंकि मावा है ना अभी नहीं मिल रहा था, तो कल अभी बिल्कुल शॉप थी तो घर में भी नहीं बनाया था मैंने, तो ये दूध से मैं अच्छे से बना रही हूँ। और मावा मुझे पसंद नहीं आता है, मैं दूध में अच्छे से पका लेती हूँ। तो ये देखिए इतने प्यारी पक रहा है दूध में, इतना टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। फिर है ना इसमें मैंने किशमिश भी डाल दी हूँ, और ये कलर भी डाल दी हूँ, देखिए कलर है ना, ये मैंने कलर जो फूड कलर है वो भी डाल दिया था, और मैं थोड़ा सा और किशमिश डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट पूरे डाल दिए मैंने, और बहुत प्यारा बना था गाइस, बहुत ही अच्छा बना था। तो आइए आप भी, और कैसा लगा तो ज़रूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ये सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है वो दबाना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ।